तो फाइनली वो दिन आ गया। Wait a minute, what the hell? देख रहे हो, इसलिए तुम्हारा भाई आज मतलब बाल बाल बना के बैठा। Oh no! YouTube पे एक पोल भी किया था iPhone SE और XR के बीच में, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था। और उसमें आई थिंक अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 65% लोगों ने SE पे क्लिक किया था। और मतलब आप भी अगर उनमें से एक हो जिसने SE पे क्लिक किया था, तो मतलब समझ जाओ कुछ तो मतलब रिश्ता है हम लोगों के बीच में। रुको जरा, अगर इस चैनल पे नए हो तो आप लोगों को पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अब स्टार्ट करते हैं। जब से ये फोन लॉन्च हुआ है तब से मेरी नजर थी इस पे, एंड आई थिंक 2 महीने से ऊपर हो गया ये मेरे कार्ट पे था। मैं सेल का वेट कर रहा था, क्योंकि मतलब जो ये कॉम्पैक्ट साइज है ना इसका, ये साइज मेरे को काफी पसंद है, मेरे को ज्यादा बड़े फोन पसंद नहीं। एंड मेरे पास यहाँ पे 128GB वेरियंट है और मेरे को इसमें काफी अच्छी डील मिली है फ्लिपकार्ट में, तो वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा, उसके लिए पूरा वीडियो देखना। मुझे ये चीज काफी सेटिस्फाइंग लगती थी देखना। तो अब देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। मेन आपको इसमें एक 5 वॉट का मतलब पुराना वाला वही चार्जर मिलता है, और हाँ चार्जर मिलता है, और साथ ही साथ ये ईयरफोन मिलती है और वही अपना USB केबल मिलता है। अडैप्टर और ईयरफोन भी मिलेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप ये फोन भी एप्पल इंडिया के स्टोर से लेते हो, जो ऑनलाइन स्टोर है भी, तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ USB केबल मिलेगी, जैसा कि इन्होंने iPhone 12 में किया है। अगर आप कोई भी पुराना फोन XR 11 या ऐसे भी लेते हो इनके एप्पल के स्टोर से, तो आपको उनको उसके साथ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये फायदा हो गया, यहाँ थोड़े पैसे बच गए। अगर ये मैं एप्पल इंडिया की वेबसाइट से लेता तो मेरे को चार्जर और ईयरफोन अलग से लेने पड़ते। तो मेरे पास यहाँ पे रेड कलर है और ये प्रोडक्ट रेड है। अगर आपको प्रोडक्ट रेड के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट रेड जो होता है बेसिकली वो चैरिटी के लिए यूज होता है, और अगर आप अभी ये SE 2020 लेते हो प्रोडक्ट रेड बेसिकली, तो इससे जो भी फंड वो लोग कलेक्ट करेंगे वो COVID-19 के पेशेंट्स के लिए जाएगा। तो अगर आप ये लेते हो तो आप सीधा सीधा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। और आई थिंक मतलब ये आप ले सकते हो, कलर भी काफी अच्छा है, और मतलब मेरा तो ये मानना है बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने कवर ही लगाने हैं, तो अगर कवर लगाना है तो ये ले लो, और आप साथ ही साथ कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। और मैं भी आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि मतलब मेरी फीलिंग कैसी, इन हैंड एक्सपीरियंस कितना अच्छा है इसका, आप देख सकते हो कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा फोन है, मतलब आप लोगों को खुशी मेरे चेहरे पे दिख ही रही होगी। बाकी आपको इसकी मिडिल में लोगो मिल जाता है, और नीचे प्रोडक्ट रेड का लेबल मिल जाता है, और साथ ही साथ नीचे आपको इसमें टच आईडी मिलता है, ओल्ड स्कूल वाला। जी हाँ, इसमें फेस आईडी नहीं है, टच आईडी है, जिससे पर्सनली मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉम्पैक्ट फोन होने के साथ साथ मतलब आपको पता है इसका वेट कितना है, आप लोग गेस कर सकते हो। मतलब मैं आप लोगों को 2 सेकंड देता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओ, मतलब चीटिंग नहीं करना, इसका वेट सिर्फ 150 ग्राम है। बाकी बेसिकली नीचे आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं, लाइटनिंग कनेक्टर मिलता है, और साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, और अदर साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिलते हैं, और ये रिंग अलर्ट मिलता है। निकम्मा। बाकी मैं आप लोगों को क्विकली इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि मैं इस फोन के लिए क्यों गया। जो इस फोन का बिगेस्ट हाईलाइट मेरे लिए था वो था इसका A13 बायोनिक चिप, और 12 लॉन्च होने से पहले A13 बायोनिक चिप लेटेस्ट वर्जन था। और अगर आप लोगों को पता होगा A13 बायोनिक चिप iPhone 11 Pro Max में यूज किया गया, तो परफॉर्मेंस वाइज आप लोगों को इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप ये फोन अभी भी लेते हो जैसे मैंने भी लिया है, तो आने वाले 3-4 साल ये फोन आपका मतलब आराम से मक्खन चलने वाला है, क्योंकि इसमें A13 बायोनिक चिप है, तो जितने भी अभी अपडेट्स आने वाले हैं 3-4 साल वो आराम से ये सपोर्ट कर देगा। सही पड़े हैं। बाकी काफी लोगों ने रिव्यूज दिए हैं कि इसकी बैटरी काफी कम है, 1800 के आसपास इसकी बैटरी है, और इसी की वजह से मैं इसके स्टोर में भी गया था यहाँ पे, और मैंने स्टोर पे जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है, और आईफोन का जो इकोसिस्टम है वो वैसे भी कम बैटरी कंज्यूम करता है। तो देखते हैं कि कितना चलता है, वो तो मैं आप लोगों को कुछ टाइम यूज करके ही बताऊंगा। बाकी एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि मैं गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो मतलब मेरी बैटरी चल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा, और मेरे को तो सिर्फ वीडियोज बना रहेगा। बाकी आप इसमें 4K वीडियो भी शूट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट तो है ही, और बाकी आईफोन की तरह ये भी सिंगल सिम ही है, लेकिन आप ड्यूअल सिम यूज कर सकते हो ई सिम यूज करके। बाकी इसका जो ऑडियो वीडियो और बैटरी का जो एक्सपीरियंस है वो तो मैं आप लोगों को कुछ टाइम यूज करके ही बता पाऊंगा। बाकी आज के लिए यही था, इसमें इतना कुछ है नहीं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आईफोन XR
ऐसी 2020 ये, और मैं 11 के बीच में कंफ्यूज था। XR मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि XR में मेरे को इतनी अच्छी डील नहीं मिली थी, और इसमें ये बात अच्छी थी कि इसमें डील भी मेरे को काफी अच्छी मिल रही थी, और इसमें A13 बायोनिक चिप भी था। और 11 लेने के मेरे पास दो कारण थे, लेकिन साथ ही साथ एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक ये था कि अगर मैं वो लेता तो मैं 64 GB वेरियंट ही ले पाता मेरे बजट के हिसाब से, और ये मैंने 128 लिया है। और दो चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं लेने का सोच रहा था, अगर शायद मैं लेता तो, वो थी उसका वाइड एंगल लेंस और उसका नाइट मोड। तो मेरा फ्रेंड यूज कर रहा है 11, और मैंने उससे पूछा तो इन दोनों चीज का बेसिकली कोई इतना फायदा नहीं था, इसीलिए मैं आईफोन SE 2020 के लिए गया। लाइट मोड जो है मेरे को वीडियोस क्रिएट करने, वो सिर्फ फोटोज में है, वीडियोस में है नहीं, तो सीधा सीधा वो तो मेरे लिए कैंसिल हो गया था। बाकी जो दूसरी चीज थी वो ये थी कि उसमें वाइड एंगल लेंस है, और मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसका वाइड एंगल थोड़ा अजीब है, तो वो भी अलग से जो एक्सटर्नल लेंसेज आते हैं फोन के वो यूज करता है वाइड एंगल के लिए। तो मैंने कहा अगर मेरे को वो ही यूज करना है तो मैं क्यों 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दूं, और 64 GB वेरियंट। तो यही एक मेन कारण था जिसके लिए मैं iPhone SE 2020 ले गया। एंड आई थिंक अगर आप लोग भी एक बजट फोन देख रहे हो, अच्छा बजट फोन, तो मतलब ये काफी अच्छा है। और अगर आप लोगों को मैं डील के बारे में बताऊं तो आप लोग फ्लिपकार्ट में अभी सेल चल रही है, आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाकर देख सकते हो। अगर आप लोगों को SE 2020 लेना है, अगर आप लोगों को 11 या XR लेना है, तो आप लोग Amazon पे देख सकते हो। आई थिंक XR तो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन Amazon पे आप लोगों को 11 और 11 प्रो मैक्स मिलेगा। एंड अगर मैं डील के बारे में बात करूँ, जो डील मुझे मिली है सेल से पहले, इसका प्राइस आई थिंक 44,000 के आसपास था, और इसमें सीधा सीधा मेरे को 13-14,000 लेस मिला है, 13-14,000 का डिस्काउंट मिला है और अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो आई थिंक ये ले सकते हो। और अगर आप लोगों के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको इसमें सीधा सीधा 3-4,000 का ऑफ भी मिलता है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, जब मैंने ये लिया था इसमें 13-14,000 का डिस्काउंट था, और अभी जैसे जैसे सेल खत्म हो रही है इसके ऊपर 1,000 प्राइस उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप लोग फोन लेना चाहते हो, स्पेशली ये लेना चाहते हो, तो आप लोग अभी चेकआउट कर सकते हो उसे। और साथ ही साथ अब टाइम है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी इस फोन से रिलेटेड ही है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, उसमें मेरे एक भाई ने पूछा कि भाई आप एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो मेन रीजन ये था, रिसेंटली अभी मैं 100 वीडियोस हिट करने वाला हूँ, 2,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाला हूँ, और जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होंगे ना, वैसे वैसे मेरे को अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप इसमें वीडियो शूट कर रहे हो ना, इसका मतलब खुद का माइक ही इतना अच्छा है। अगर मैं अपने पुराने फोन को विद एक्सटर्नल बोया का माइक लगाऊँ और इसका विदाउट माइक यूज करूँ, तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, और वीडियो क्वालिटी तो है। तो यही एक मेन रीजन था जो मैंने एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट किया। चल चूटा। तो बस यही था यार आज की वीडियो के लिए, और इसके बाद आप लोग को जितने भी वीडियोस देखने को मिलेंगे वो मेरे iPhone SE से ही देखने को मिलेंगे इससे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, यही कहीं पे यूजर नेम आ रहा होगा। और आज के लिए रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खत्म। कोई करे बात धर्म की, तो कोई करे बात भरम की, तो कोई तो ले जात सनम की, मैं बस मानू बात कर्म की।